कैरिबियन प्रीमियर लीग में फैफ डुप्लेसिस चोटिल हो गए हैं, जिससे धोनी की परेशानी और बढ़ गई है। सीएसके की टीम में अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कौन सा खिलाड़ी शुरुआती मैचों में ओपनिंग का जिम्मा संभालेगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिसमें हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे सबसे पहले। दरअसल फैफ डुप्लेसिस इस आईपीएल में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 7 मैचों में चेन्नई की टीम के लिए सबसे ज्यादा 320 रन बनाए हैं और 995 रन उनका सर्वाधिक रहा है। ऐसे में अगर फैफ डुप्लेसिस शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाते हैं तो उन्हें उनके जगह महेंद्र सिंह धोनी किन खिलाड़ियों को ओपनिंग करा सकते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा केकेआर के लिए कई सालों तक ओपनिंग का जिम्मा संभालते आए हैं। ओपनिंग में 77 इनिंग्स में उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें उनका एवरेज 27 का रहा है। वहीं पिछले सीजन अगर देखा जाए कि अंबाती रायडू भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभाल चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा आईपीएल में सैम करन भी ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं। हो सकता है कि यही खिलाड़ी आपको डुप्लेसी की जगह ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके का फॉर्म रविंद्र जडेजा दिखा रहे हैं, धोनी जडेजा को ओपनिंग करा सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। जडेजा यूएई में होने वाले आईपीएल में सबसे बेहतर विकल्प इसलिए हो सकते हैं क्योंकि शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक चहर श्रीलंका के खिलाफ शानदार 50 रन ठोक चुके हैं, वहीं शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट मैच में T20 अंदाज में शानदार पारी खेली। अगर ये दोनों खिलाड़ी लोअर ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी करते हैं तो जडेजा जिस तरीके के संभाल कर खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, वो सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे महेंद्र सिंह धोनी के लिए ओपनिंग कराने का। लेकिन फैंस की यही मांग होगी कि फैफ डुप्लेसिस जल्द से जल्द ठीक हो जाए और चेन्नई के लिए धमाकेदार पारियां खेलते रहे। दोस्तों, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस आईपीएल में, नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।